शराबी मजदूर ने 10 साल के बेटे की पीट पीट कर अधमरा करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी। यह वारदात रविवार की रात कोराड़ी की सूरादेवी झोपड़पट्टी में हुई। सच्चाई पता चलने पर कोराड़ी पुलिस ने आरोपी संतलाल मडावी मंडला को गिरफ्तार किया है। संतलाल विगत 3 सालों से सूरादेवी झोपड़पट्टी में रहता है। 4 साल पहले पत्नी के छोड़कर जाने के बाद से वह 10 साल के बेटे गुलशन उर्फ गोलू उर्फ गब्बर और 12 साल की बेटी आशा के साथ रहता है। संतलाल मजदूरी करने के साथ चाकू कैंची को धार लगाने का काम करता है। उसे शराब की लत है। इस लत के चलते वह बच्चों से मारपीट करता है। रविवार की दोपहर घर में वह बेटे गब्बर को पानी नहीं भरने, दूसरों के यहाँ काम करने और साइकिल पंचर करने की बात पर वह पिटाई करने लगा। पिटाई के दौरान ही उसने श्वान के पट्टे से गब्बर का गला घोटकर हत्या कर दी। उस वक्त संतलाल की बेटी आशा बाहर गई हुई थी। बेटे की हत्या के बाद संतलाल झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। कुछ देर बाद बेटी के घर लौटने पर संतलाल उसके साथ साइकिल पर महादुला चला गया। संतलाल का भाई और भाभी गांव से महादुला आने वाले थे। दोनों को घर लाने के लिए संतलाल और बेटी महादुला गए थे। महादुला से लौटने के बाद संतलाल ने बेटी आशा को गब्बर कहां गया पूछा। झोपड़ी का दरवाजा बंद होने से आशा को भी भाई के भीतर मृत अवस्था में पड़े होने का पता नहीं चल पाया। वह गब्बर को खोजने के लिए बस्ती के 5-6 घरों में गई। वहां गब्बर का कोई पता नहीं चलने पर आशा लौट आई। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही भीतर गई उसे गब्बर जमीन पर पड़ा हुआ मिला। आशा ने गब्बर को सोया हुआ समझा और पानी छिड़क कर उठाने का प्रयास करने लगी। इसी बीच संतलाल भी झोपड़ी में आया। उसने गब्बर को उठाने के बाद अरे यह तो मर गया बोला। इसके बाद संतलाल रोने का नाटक करने लगा। घटना का पता चलने पर बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। सुरादी गावात एका 10 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झालेला आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून कोराडी पोलीस स्टेशनचे कोणी बेजळकर साहेबांनी स्टाफ तिथे गेले असता संतलाल मडावी नावाचं इसम तिथे राहतो। त्याचं झोपडं होतं रोडच्या कडेला। त्या झोपड्यामध्ये 10 वर्षाचा मुलगा त्याचा गुलशन मडावी नावाचा मुलगा मृत अवस्थेत घरातच्या दरवाजाजवळ मिळून आला। विचारपूस केली आणि त्या त्याच्या मुलीला विचारपूस करण्यात आली तेव्हा असं लक्षात आलं की हे वडिलांनी त्या मुलाला मारलेलं आहे। नंतर वडील ते आरोपी संतलाल मडावी कबूल झाला की मी नशेमध्ये माझ्या मुलाला मी काम सांगितलं ऐकलं नाही म्हणून मारलं, पण त्या रागाच्या भरात मी दोरीने गळा वळला होता। मरण पावल्यानंतर मी त्या मुलाला असंच घरात ठेवून मुलीसोबत माजलेला आलो होतो। आरोपीच्या कपलेजवरून आणि तिथे शेजारी पाजारी यांना विचारलं त्यावरून 302 भादवी प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून आरोपीस अटक करण्यात आली आहे। इस मामले की जानकारी कोराडी पुलिस को दी गई। कोराडी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। उसे गब्बर का शव देखकर हत्या किए जाने का संदेह हुआ। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आशा को भरोसे में लेकर पूछताछ की। उसने पिता द्वारा भाई की पिटाई किए जाने का बताया। इसके बाद पुलिस ने संतलाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में संतलाल ने बेटे की हत्या करने का कबूल किया। इसके बाद संतलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। गब्बर 4थी कक्षा में पढ़ता था। वह काफी सक्रिय बालक था। उसकी हत्या से बस्ती में शोक की लहर फैली हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।